tía Belén. जी भाई, बैठो। हमें अब होते तो तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी करते। मैं अकेला आदमी हूं, मुझे तो मालूम नहीं शादी में क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता। तो तुम मेरे साथ चलना बाजार और जो चाहिए वो ले लेना। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे लिए परेशान मत हो। परेशान तो कर चुकी हो तुम मुझे। तुम्हें खाली हाथ रुख सक करने से राम। अभी तक मुझसे नाराज हैं? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सच में अगर मुझे पता होता कि हमें इतने संगीन दिन देखने पड़ेंगे तो मैं कभी भी वो कदम ना उठाती। जाने तो जो हो गया सो हो गया। काश कि हम जैसी लड़कियां ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार उन रिश्तों के बारे में भी सोचें जो बचपन से हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, तो फिर हम कभी भी ऐसा कोई फैसला ना लें। जो नसीब में था वो हो गया, बस अब तुम खुश रहो। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और बस। चलो मिलके खाना खाते हैं एक साथ। काफी दिन हो गए हम दोनों ने मिलके खाना नहीं खाया। खाना खाया तुमने? चलो फिर खाना खाते। अरहम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? जल्दी करो, मैं ऑफिस में मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगा। क्यों? वो एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा कि ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊं। अच्छा, क्या हुआ? चलो फिर मैं ड्राइवर को छोड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप ड्राइवर को ले जाएं, मैं जब निकलूंगा तो अरेंज कर लूंगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना नहीं खा रही तो जूस पी लो, कुछ तो पेट में जाए। अम्मी, वो मेरा जी नहीं चाह रहा था। और आप ये जूस क्यों ले आए? अब ले आई हूँ तो पी लो। बेटा, तुम जो सोच रही हो, परेशान हो रही हो, मैं सब जानती हूँ। बेटा, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम देखना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो किंजा, मॉम निकल गई हैं, तो हमें भी फौरन चलना चाहिए। आपने उन्हें क्या कहा? जी आप छोड़ें, अभी हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अच्छा, वापसी पे मैं आपको टैक्सी करवा दूंगा क्योंकि मुझे फौरन ऑफिस जाना होगा।
लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी तो? जैक तो आप सवाल बहुत करती हैं, बाकी के सवाल रास्ते में कर लीजिएगा। चलें। हेलो, कौन? नबील बात कर रहा हूँ जवेरिया। क्यों फोन किया तुमने मुझे? जवेरिया, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। आइंदा मुझे फोन मत करना। ड्राइवर गाड़ी रोको। अम्मी, अम्मी। हाँ बोलो। वो अम्मी, मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे देती थी ना, तो वो मैं मरियम को जाके जवेरिया की शादी की शॉपिंग करवा देता। बाहर पैसों का दरख लगाया है ना, तोड़ो और शॉपिंग कर लो। अब मैं अपनी शादी में अपने कपड़े भी ना बनवाऊ और मरियम के कपड़े बनवाना तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। वैसे भी लड़की का जोड़ा लड़की वालों के घर से जाता है। मुझे ना समझाओ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तुमने कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जो मेरे फराइज बताने बैठ गए हो? अच्छा अम्मी, ये देखे, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मुझसे। अब गुस्सा थूक भी दें, एहसास हो गया है मुझे। शाबुद्दीन, तुम्हें और एहसास हो जाए, ये तो ऐसी बात हुई जैसे भारत ने कश्मीर को छोड़ दिया। मैं नहीं मान सकती। अच्छा पैसे तो दे दें, कहां से करूंगा मैं अपनी शादी की तैयारी? आपको तो पता है एक रुपया नहीं है मेरे पास। जैसे निकाह किया है ना, वैसे अपनी बीवी की तैयारी भी कर लो। मेरी जान छोड़ दो, मैं नहीं दूंगी पैसे वैसे। अरे ठीक है, बात हुई। अम्मी मेरा भी तो दिल है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी भी सूरत में पैसे चाहिए। देखो शाहबुद्दीन, मेरा वैसे ही दिमाग घूम रहा है, और मत घुमाओ। मैं जब मरियम को इस घर में ला रही हूँ ना, मैं वो भी नहीं लाऊंगी। अम्मी किसके साथ गई थी तुम? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ गई थी, मैंने पूछा है किसके साथ गई थी तुम। लगता है एक दफा की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे बेटे से दूर रहना, किया था ना मना? आप अपने बेटे को समझाइए। मैंने आपके बेटे को नहीं, आपके बेटे ने मुझे प्रपोज किया। माय फॉल्ट। और हम जैसे अमीरजादों के लिए तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास होती हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी यही औकात है। मेरी औकात यह है कि मुझ जैसी लड़की पर अरहम बेग मर मिटे, और इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए। अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी लड़कियां इतनी आसाइशें देके अपनी औकात भूल जाती हैं, और मुझे अच्छी तरह आता है तुम्हारे जैसे लोगों को उनकी औकात याद दिलानी। ठीक है, अरहम को आ जाने दीजिए, मैं अरहम से मिलकर ही जाऊंगी। दफा हो जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से।
देने के लिए अम्मी के पास पैसे ही नहीं है। मेरी भी शादी, मेरे भी कुछ अरमान है, लेकिन नहीं, साफ मना कर दिया मुझे। किसी को फिक्र नहीं मेरी। हाँ साहब, सब अपना सोचते हैं। पैसे देने से साफ इनकार कर दिया मुझे। शोभी बोलो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। अपने और मरियम के लिए जो भी लेना हो वो ले लेना। सजवेरिया, वो मुझे अपने लिए और मरियम के लिए शादी का जोड़ा लेना था बस। वो भी ले लेना। जवेरिया तुम भी चलो ना साथ मरियम का जोड़ा लेने के लिए। एक्चुअली तुम्हें पता होगा ना कि लड़कियों को सूट कैसे देते हैं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। मम्मी तो जाएंगी नहीं मेरे साथ। ठीक है, मैं चलूंगी। शोभी प्लीज, अम्मी की तरफ से अपना दिल खराब मत करना। माँ है ना, माँ की ख्वाहिश होती कि वो औलाद का हर फैसला खुद करे, खासतौर पर बहू का इंतखाब। इसीलिए बस थोड़ा गुस्सा है, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ है। ठीक है, तुम सदर पहन के आ जाओ। अभी आती हूँ। बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। जी भाई। मरियम ये पैसे रख लो, तुम्हें जो खरीदना है बाजार से वो खरीद लेना, और अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चले चलना, या फिर किसी दोस्त के साथ जाना है तो उसके साथ चले जाना। अपनी शादी की शॉपिंग पूरी कर लो। जी भाई। अगर किंजा यहाँ होती तो मैं उसके साथ जाती, उसे शॉपिंग का कितना शौक था ना। भाई अगर आपको कुछ मंगवाना है तो लिस्ट दे दे मुझे, मैं ले आऊंगी। नहीं, मुझे जो चाहिए मैं खुद बाजार से जाके ले आऊंगा, और तुम्हारी शॉपिंग मुकम्मल हो जाए तो मुझे बताना, मैं फर्नीचर भी दिखा के ले आऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसका फर्नीचर का काम है, अपनी पसंद का ले लेना। भाई इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, मैं जानती हूँ इतने कम वक्त में इतना सब कुछ करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी खुशी है। अगर अम्मी अब्बा होते तो क्या वो ये सब कुछ नहीं करते तुम्हारे लिए? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। भाई कितने अच्छे हैं ना आप, ऊपर से इतने सख्त, और दिल में कितना प्यार और कितनी नरमी। काश जवेरिया भी आपके दिल को समझ सके। तुम्हें जाना नहीं? हाँ, और ऐसा करती हूँ कि जवेरिया को भी अपने साथ ले जाऊंगी, वो भी अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेगी। खाला, वो जवेरिया को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ, मुझे कुछ चीजें लानी है। वो नहीं जाएगी। आप परेशान मत हो, हम जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहा ना, उसे बहुत काम है, नहीं जाएगी। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, जब वो अपने काम खत्म कर लेगी फिर हम साथ चले जाएंगे। उसे कुछ नहीं लेना, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। तुम आई क्यों यहाँ पर? मरियम, अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और वैसे भी खरीदारी का कोई शौक तो है नहीं मुझे, तो तुम। अम्मी ये आप किस तरह से बात कर रही थी मरियम से? हम सबका ख्याल करें, हमारा कोई एहसास ना करें। अम्मी इसमें मरियम का क्या कसूर? शरीफ लड़कियों की ऐसी हरकतें नहीं होती। छुप छुपा के निकाह कर लिया, घर वालों की इज्जत नीलाम कर दी। ये सारा किया धला शाबुद्दीन उस लड़की का है, बदनाम कर दिया खानदान।
मैं किचन में देखती हूँ। किंजा कहाँ पर गई है? पता नहीं साहब जी, जब मैं यहाँ आई थी तो वो नहीं थी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। किंजा अपने कमरे में नहीं है, आपको पता है कहां पर है? I don't know. मॉम किधर गई है वो? मुझे क्या पता वो कहां गई है। वैसे भी उस जैसी लड़कियों का कोई एतबार नहीं, वो कभी भी किसी के भी साथ चली जाती हैं। किसी ने ज्यादा की ऑफर किया होगी, चली गई। मॉम आपको अच्छे से पता है कि किंजा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किंजा कैसी लड़की है। तुम्हें ही खुशफहमी थी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि किंजा घर आई थी या नहीं। अरहम, मैं ऑफिस से मीटिंग करके घर वापस आई हूँ तो वो घर में नहीं थी। तुम बलावजह परेशान हो रहे हो उसके लिए। अब भी वक्त है अरहम, भूल जाओ उसे। तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। शुक्र है जान छुटी इस मुसीबत से। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था।